नमस्ते बच्चों, आज हम हमारे पाठ्यपुस्तक का एक नया पाठ सीखने जा रहे हैं जो है कविता। बच्चों, कविता बहुत बड़ी है लेकिन बहुत ही सुंदर है। हमारे समाज में जो आर्थिक विषमता है, सामाजिक विषमता है, उसी पर आधारित आज हम इस कविता में कुछ सामाजिक विषमता में से होने वाली एक सबसे बड़ी समस्याओं को आज हम देखने जा रहे हैं। जो कविता आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है एक फूल की चाह। सियाराम शरण गुप्त जी की लिखी हुई यह कहानी है जो कविता के रूप में लिखी हुई है। बच्चों, कविता को पढ़ने से पहले हम सियाराम शरण गुप्त जी की बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। कवि का जन्म झांसी के निकट चिरगांव में हुआ था। इसके बड़े भाई मैथिली शरण गुप्त थे एवं इनके पिता भी कविताएं लिखते थे। कथात्मकता इनकी रचनाओं का प्रमुख गुण है। कविता के माध्यम से इन्होंने सामाजिक बुराइयों के प्रति करारी चोट की है। आधुनिक मानव की करुणा यातना का समन्वय इनके काव्य में हमें दिखाई पड़ता है। अपने काव्य में देश की ज्वलंत घटनाओं एवं समस्याओं का जीवंत चित्रण उन्होंने प्रस्तुत किया है। बच्चों, इस कविता को पढ़ने से पहले हम उसकी रूपरेखा को समझ लेते हैं। इस प्रस्तुत कविता का मुख्य भाव समाज से व्याप्त छुआछूत की समस्या है। एक मरणासन्न अछूत कन्या की इच्छा थी कि देवी के चरणों में अर्पित किया हुआ एक फूल लाकर उसे कोई देता तो वह स्वस्थ हो जाती। उस कन्या के पिता ने अपनी बेटी की इच्छा पूरी करने के लिए मंदिर जाकर देवी का फूल लेने के बाद उसके साथ अन्य भक्तों ने अमानवीय व्यवहार किया। वो इसलिए कि वह एक अछूत था। ईश्वर तक अछूत न पहुँचे ऐसी सोच अन्यायपूर्ण है। वह भी तो ईश्वर की ही रचना है। अछूत होना कोई पाप नहीं है। इसी भावनाओं को कवि ने अपनी एक फूल की चाह इस कविता में चित्रित किया है। तो चलो बच्चों, पढ़ते हैं हम इस कविता को। उद्वेलित कर अश्रु राशिया, हृदय चिताएं धधकाकर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। क्षीणकंठ मृतावस्थाओं का करुण रुदन दुर्दांत नितांत, भरे हुए था निज कृशरव में आहाकार अपार अशांत। उद्वेलित का अर्थ है भावनाओं से डूबकर, धधकाकर यानी सुलगाकर, क्षीणकंठ का अर्थ है दबी हुई आवाज़, दुर्दांत यानी भयंकर, दुर्दांत यानी भयंकर, मृत वत्सा यानी जिसका बच्चा मर गया हो। नितांत यानी बिल्कुल, कृशरव यानी धीमी आवाज, अपार यानी जिसे पार करना कठिन हो। चलो बच्चों, देखते हैं इसका भावार्थ क्या है। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने आई हुई उनके गांव में महामारी के प्रचंड प्रकोप का वर्णन करते हुए बताया है कि उस समय चारों ओर महामारी फैली हुई थी, जिसके कारण उससे पीड़ित हुए लोगों की आंखों से वेदनापूर्ण आंसुओं की धारा बह रही थी। उनके हृदय चिंताओं भांति सुलग रहे थे। सभी लोग दुख के कारण व्याकुल थे। अपने मरणासन्न बच्चों को देखकर माताओं का कंठ से अत्यंत कमजोर स्वर में करुण रुदन यानी स्वर निकल रहा था, जो संपूर्ण वातावरण में चारों ओर व्याप्त था, जो हृदय को दहला देने वाला था। बच्चों, आज हम इस परिस्थिति को पढ़ते हुए आज की हमारी भी परिस्थिति की आज हमें याद आ रही है। आज जिस तरह से कोविड-19 के कारण पूरा देश
जो डर रहा है, सुलग रहा है, जिस तरह से हर एक के मन में एक डर बसा हुआ है, उसी तरह से चारों तरफ वहाँ पर भी महामारी फैली हुई थी और उस समय का वर्णन उन्होंने यहाँ दिया है, तो हम महसूस कर सकते हैं कि हमारी आज की परिस्थिति में भी इस तरह से कोई महामारी आ जाती है तो कितनी वेदनाएं होती है, किस तरह से भयंकर दुख या डर लोगों के मन में बसा हुआ लोगों के मन में बसा हुआ रहता है। बहुत रोकता था सुकिया को, न जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मानता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। यहाँ पर निहार यानि देखकर, हृदय कांपना यानि भयभीत होना। बच्चों, इस कविता को पढ़ते पढ़ते हमें हमारे आज की परिस्थिति की याद नहीं आ रही है, जिस तरह से यहाँ पर सुकिया के पिता अपने बच्ची को इस महामारी से बचाना चाहता है, तो उसी तरह से बच्चों आज की जो COVID-19 है उससे आप लोगों को बचाने के लिए आपके घर वाले भी उसी तरह से प्रयास कर रहे हैं, सब प्रयास कर रहे हैं, और इसीलिए आप लोगों को घर में ही बैठने की सलाह दे रहे हैं। आपको भले ही इस बात का बुरा लग रहा है, गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन आपको इस कविता से बहुत अच्छी तसल्ली भी मिलेगी कि अपने आपके जो माता पिता हैं, आपके जो बड़े घर वाले हैं, वो अपनी कितनी चिंता रहते हैं। तो देखो बच्चों, इस कविता की इस पंक्ति में भी यही दिया गया है कि सुकिया का पिता बार बार अपनी बेटी को बाहर जाकर खेलने के लिए बहुत मना करता था, किंतु वह बहुत चंचल और हट्टी थी। मना करने के बावजूद उसकी बेटी उसका कहना नहीं मानती और खेलने के लिए चली जाती। उसका खेलना कभी रुकता ही नहीं था। पिता को अपने बेटी की ऐसी चंचलता देखकर उसका मन भयभीत हो उठता था। वह यही कामना करता था कि अपनी बेटी सुकिया को किसी भी तरह इस महामारी की चपेट से बचा सके। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुकिया के तन को ताप तप्त मैंने पाया। ज्वर में विहल हो बोली वह, क्या जानू किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। यहाँ पर विहल का अर्थ है दुखी, इसका भावार्थ है। सुखिया का पिता इस काव्य पंक्तियों से कहना चाहते हैं कि मैं जिस बात से डर रहा था आखिर वही हुआ, सुखिया आखिर उस महामारी की चपेट में आ गई। एक दिन उसने देखा कि सुकिया का शरीर तेज ज्वर के कारण तप रहा था। वह बुखार से पीड़ित होकर न जाने किस अनजाने भय से भयभीत होकर अपने पिता से कहने लगी, पिताजी मुझे देवी माँ के चरणों का एक फूल प्रसाद के रूप में लाकर दीजिए। अपने बेटी का यह बात सुनकर पिताजी की हालत कैसे हुई उसे देखते हैं। क्रमशः कंटक क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे, बैठा था नव नव उपाय की चिंता में मैं मन मारे। जान सकाना प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। यहाँ पर शिथिल यानि ढीला, प्रभात सजग का अर्थ है चहल पहल से भरी सुबह, स्वर्ण घन का अर्थ है सुनहरी घटाएं। तो देखते हैं इसका भावार्थ। यहाँ पर कवि सुकिया की दिन प्रतिदिन बढ़ती बीमारी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सुकिया की आवाज़ धीरे धीरे मंद होती जा रही है, उसके शरीर के सारे अंग भी कमज़ोर हो गए हैं। उसका पिता महामारी से ग्रस्त अपनी बेटी के कमज़ोर होते शरीर को देखकर दुखी रहता है। ऐसे विपत्ति की घड़ी में
वह उसे ठीक करने के लिए नए नए उपाय खोजता रहता है जिससे वह उसे बचा सके। वह इस चिंता में इतना खोया रहता है कि उसे यह भी नहीं समझता कि कब सुबह होती है, कब दोपहर, कब सूरज की किरणें सुनहरे बादलों के बीच डूब जाती है और कब गहरी शाम हो जाती है। अर्थात सुखिया का पिता जो है वह दिन रात अपनी बेटी की चिंताओं में खोया रहता है। सभी ओर दिखाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रस ने कितना बड़ा तिमिरा आया। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें, जगमग जगते तारों से। यहाँ पर ग्रसना का अर्थ है निगलना या अथवा खा जाना, तिमिर यानि अंधकार, झुलसी यानि जली हुई। यहाँ पर तिमिर का अर्थ चक्कर आना भी होता है, क्योंकि जिस तरह से चक्कर आ जाते हैं तो आंखों के सामने अंधकार ही छा जाता है। तो देखते हैं इसका भाव अर्थ क्या है। सुखिया की बीमारी से निराश उसके पिता के हृदय पर ऐसा अंधकार छाया है कि उसे चारों तरफ निराशा ही निराशा दिखाई देती है। उसे ऐसे लगता है जैसे उसकी बेटी को निगलने के लिए या खा जाने के लिए एक बड़ा सा अंधकार चला आ रहा है, जिस प्रकार खुले आकाश में जलते हुए अंगारों के समान तारे चमकते हैं, उसी प्रकार सुखिया की आंखें भी बुखार से झुलस रही थी। बच्चों यह कविता बहुत बड़ी है लेकिन बहुत ही सुंदर है, और उसमें बताई गई एक कहानी है, कहानी के रूप में है लेकिन उसे कहानी है जिसे कविता के रूप में लिखा हुआ है। तो बच्चों आज के इस भाग में हम यही तक कविता को समझ कर लेते हैं, और अगले पार्ट में हम देखेंगे उसकी अगली कविता के बाकी के पदों के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।